मैं क्या बता सकती हैं आप हमें अनुषे के बारे में जो हमें नहीं पता अभी तक? अनुषे तो एक खुली किताब है. बिल्कुल, अनुषे की लाइफ काफ़ी एक्टिव है. इनके चार्ट में भी ये चीज़ खुली किताब है अनुषे. कुछ चीज़ों में कह सकते हैं, नॉट टोटली, बट शी इज़ वेरी चाइल्ड लाइक आई वुड से. बड़ा इनके अंदर जो इनर चाइल्ड है वो काफ़ी बाहर आता है बहुत ज़्यादा, और इम्पल्सिवनेस. मैंने क्यों नहीं देखा ये चाइल्ड कभी? मुझे नहीं पता आपका कितना इंटरेक्शन है इनके साथ, लेकिन ओके, मौका नहीं दिया उन्होंने कुछ देख. सो कमिंग टू योर सन साइन, आई सी के बहुत ज़्यादा आप में एक तो चाइल्ड लाइक एनर्जी है, प्लस आप एक्शन ओरिएंटेड हैं. लेकिन आपको एक्शन लेना चीज़ों में, इम्पल्सिव होना थोड़ा कभी कभी, कभी कभी नहीं, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव है. तो लास्ट इम्पल्सिव बाइंग क्या की थी आपने, कुछ बता सकती हैं, या कोई चीज़ इम्पल्सिवली की हो? हाँ, की थी इम्पल्सिव बाइंग, 10-15 दिन पहले की थी. ओके, क्या किया था? बस एक चीज़ ली थी. बता दें, कोई बात नहीं, क्या खरीदा आपने? I don't like sharing these things. क्यों भाई, अपने लिए लिया था, अपने दुनिया को ताके क्या करूं? Okay. लेकिन impulsive buying थी. घड़ी तो नहीं लिया आपने? आपको घड़ियों का बहुत शौक है. आपको सब कुछ पता है? यार ऐसे थोड़ी होश बन गए. ऐसी मैं तो ऐसी बन गई, मुझे कुछ नहीं पता होता. सुन लो भाई ये बात. पर हाँ, घड़ी भी वीकनेस. पहनी कोई घड़ी नहीं है. वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मैंने कोई घड़ी पहनी नहीं है. ओहो ओहो ओहो, मेरी इस बात से वो इम्प्रेस हुई होंगी या नहीं? या हुई है या नहीं, आपको तो सब पता है. नहीं नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने आपके बारे में स्टोरी ऑलरेडी बना ली हुई है, अब वो चेंज नहीं होने वाली. सो कमिंग टू योर योर इमोशनल स्टेट, तो आप की जो इमोशनल थिंकिंग है दैट्स वेरी सीरियस. लाइक आप लाइफ को इमोशनली सीरियसली अप्रोच करती हैं, जिसमें इनके अंदर एक नर्स भी मौजूद है, जो कि नर्स लाइक हीलिंग एक कह सकते हैं. यानी कि इनका अगर आप इंस्टाग्राम भी मैं देखती हूँ, तो ये लोगों को थेरेपी दे रही होती हैं थ्रू टॉक्स, और बड़ी उनके दुख दर्द में शामिल हो रही होती है. तो इनको दूसरों का दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है, तो एम्पैथ हैं ये बहुत ज़्यादा. और एक चीज़, इनको गुस्सा आता है लेकिन इनको गुस्सा करना नहीं आता. कैसे कर सकते हैं? गुस्सा आता और गुस्सा करना नहीं आता आपको? नहीं. हाँ, दैट्स ट्रू. क्या होता है जब आपको गुस्सा आता है? कुछ नहीं होता. आप तो वाकई में मुझे करना नहीं आता सही से. इंटरनलाइज कर लेती हैं आप? कभी कभी मैं रैंट लिख देती हूँ, कभी कभी अपनी बहनों को कॉल करके उनको बताती हूँ कि ये, लेकिन बस वहीं. नहीं, अगर आम जिंदगी में किसी पे अगर आपको गुस्सा आ जाता है, कोवर्क पे. अब मैंने एक्चुअली अपने आप को ट्रेन किया हुआ है कि गुस्सा आए तो, लेकिन उसके साथ कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करती मैं. अच्छा, ये अच्छी बात है, बुरी बात ये है? बुरी बात इसलिए हो सकती है कि उसकी वजह से इनको बॉडी एक्स होते होंगे, क्योंकि अगर हम गुस्सा सही से एक्सप्रेस नहीं करें तो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, जिसके अंदर बॉडी एक्स हो सकते हैं, या फिर आपकी इंडाइजेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. सर में दर्द शुरू हो जाता है और समझ नहीं आ रहा कि सर में दर्द क्यों हो रहा है. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको गुस्सा है तो आप जाके सर तोड़ सकती है. सुमेरा को फोन करके मुझे बताया गया है. बिल्कुल. चीज़ें थोड़ी सी डिलेड इनको रिसीव होती हैं, यानी इनकी लाइफ में शौक ही नहीं है. नहीं नहीं, डिलेड लाइक मेहनत करने का इनको शौक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाने का, चीज़ों को थॉरली लेके चलने का डिसीशंस में स्पेशली, और थोड़ा सा डिले आता है. अनुषा, आप में बिल्कुल भी सेल्फ एंटाइटलमेंट नहीं है, मतलब क्यों? अल्लाह का शुक्र है. नहीं नहीं, थोड़ी सी एंटाइटलमेंट जो हेल्दी एंटाइटलमेंट है वो होनी चाहिए. आप बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्यों मुझे नहीं पता. आप बताएंगी क्यों और क्या करूं मैं? यार यार, बहुत फलसफाना जोन में चली गई. कोई मजे की बातें बताएं अनुषे के बारे में. मजे की बात इनकी ये है कि अनुषे को तंग किस चीज से होती है? अनुषे अनुषे तंग अगर होंगी वो आपको बताएंगे नहीं पहले तो, और ये खामोशी से साइड पे चले जाएंगी. लेकिन अगर इनको कोई बहुत ज्यादा इन्वेट करने की, इनकी प्राइवेसी को इन्वेट करने की कोशिश करे तो इनको बिल्कुल. तो खुश किस बात से होती है? खुश ये इस बात से होती है कि एक तो इनको फैंटेसी वर्ल्ड का एक, इनकी एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसको, जिसमें और स्टोरीज एड अप करती चली जाती हैं ये. तो आई थिंक ये जो डिलेज, आपके जो बड़े लोग परेशान हैं आपकी शादी को लेके भी कि भाई शादी क्यों नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं हो रही, तो शी वुड नॉट सेटल फॉर समथिंग कि बस कर लिया. वो तो बताया उन्होंने. बिल्कुल. तो थोड़ा सा डिले उस चीज़ में इसलिए भी है, और दूसरा इनका कमिटमेंट का थोड़ा सा इशू है. बोले तो कमिटमेंट इशूज हैं. हाँ, आपको कमिटमेंट पसंद नहीं? एक बार आपने जो कमिटमेंट कर दी फिर आपको शुरू हो जाती है पैल्पिटेशंस? नहीं, एक दफ़ा कर दी तो पैल्पिटेशंस खत्म हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, उससे पहले बहुत पैल्पिटेशंस होती है. ठीक है, ये तो इट्स ओके. हाँ, इट्स ओके. आपको याद है आपके प्री कमिटमेंट डेज? मेरे तो डेज का
नहीं नहीं अभी भी ये कमिटमेंट कर लेते हैं होंगे इनकी कमिटमेंट ही इज वेरी प्रो एट कमिटमेंट थिंक ठीक इंसान है मैं बहुत شدید दिल ठीक شدید वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव टाइप شدید स्लीव से भी इधर स्लिप हुआ भाई ये बस ये टिप्स पे है बस गिर गया बस टिप्स पे अच्छा अनुषा का अपना बिलीफ सिस्टम है अनुषा अपने बिलीफ सिस्टम को रन करती हैं और उसमें बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी इनको लोगों के साथ फील होते होंगे लेकिन जो इनके अपने एक्सपीरियंसेस है उससे ही इन्होंने सब कुछ सीखा है मतलब अगर आप कहेंगे यार ये क्या बात की नहीं मतलब कुछ लोग जैसे किसी और के थ्रू भी सीखते हैं जैसे हम कहेंगे भाई ये स्विच है इसमें जाके हाथ नहीं लगाना है उनके एक्सपीरियंसेस भी तो ऐसे हैं 20-21 साल से जिस फील्ड में वो हैं आई थिंक डेली प्रोबेबली एक नया एक्सपीरियंस आपको होता होगा या हर चंद दिन के बाद आपको लेकिन द एबिलिटी टू लर्न कम होती है ना लोगों में बिल्कुल आई थिंक या वो रिसेंटली आई है मेरे अंदर के द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स या फिर From again, Khudi comes to me now. Okay, so एक और चीज़ इनके चार्ट में है कि इनको बैठे बैठे अजीब अजीब आइडियाज भी आते हैं मतलब एकदम डाउनलोड आएगा आइडियाज का क्या हाँ. किस तरह के आइडियाज आते हैं आपको वो किस तरह के आइडियाज होते हैं I'm curious now. मतलब कि क्रिएटिव आइडियाज What can you add on this show? What can you subtract from the show? बताए ना बताइएगा हमें जाने से पहले So she's highly मुझे subtract करने के अलावा as long as I'm not being subtracted. Not at all. ओके सो इनकी जो लव नेचर है वो भी बड़ी सैक्रिफाइसिंग किस्म की है और थोड़ा सा जो द वे शी लव्स इज वेरी सैक्रिफाइसिंग प्लस इनके अंदर एक बट ये तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी कि कमिटमेंट नहीं करनी बट सैक्रिफाइस इसीलिए तो कमिटमेंट नहीं होती है बिकॉज ये तमाम चीज़ें बैलेंस करके ही कमिटमेंट होती है प्लस शी ऑलवेज स्ट्रगल बिटवीन people pleasing and her own self तो वो थोड़ा सा जो है बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है कि कितना अपने आप को इन्होंने देना है और कितना जो है रिसीव करना है तो दैट इज समथिंग ट्रू कितने परसेंट सही बताया इन्होंने आपके बारे में काफी बताया काफी हद तक नंबर्स में बताएं मतलब कि क्या 90% 9 out of 10 90% सही बताया ओवर 90% शी इज प्रीटी मच या गुड गुड वेल डन थैंक यू सुमेरा इज बाउंस बैक थैंक यू ओके सो इमोशनल नेचर हम बात करेंगे तो इमोशंस आपको दूसरों की भी समझ में आती हैं थोड़ा सा मैं आपको जो अच्छा बाय द वे नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स देयर इज समथिंग कमिंग इन द रिलेशनशिप सेक्टर एंड मे बी यू आर गोइंग टू कमिट टू समथिंग एंड दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट इंशाल्लाह सो आई विश समथिंग यू नो दैट वी डोंट नो नो आई डोंट नो बिकॉज बट आई एम सीइंग इट इन योर चार्ट समथिंग सम बिग कमिटमेंट इज कमिंग तालियां इस बात पे भाई बहुत जल्द हो सकता है आप वाकई में अनुषा के इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखे हैं अंगूठी की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सो यस दैट्स प्रीटी मच इट इन योर चार्ट आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं नहीं मुझे सिर्फ इतना वैसे तो पता करना है कि वेयर डू यू सी माय करियर देन आप जो होस्टिंग का करियर है आप उससे नहीं मानी जाएंगे आप जो अपना थेरेपी वाला काम करती हैं जो कि लोगों की हीलिंग और वो करती हैं तो यू हैव दिस गुड सिग्नेचर ऑफ बीइंग मदर टेरेसा आप उसमें बहुत ज्यादा जो है अपना करियर एक्सेल कर सकती हैं होस्टिंग को पीछे होस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ इट इट्स ओके वो फन है अब सारे उनको ना कोऑर्डिनेटर को मेरा नंबर आप देती है है ना बोलेगा यार अगर मैं अब मुझे अभी आज अभी मैं वो दुबई जा रही हूँ तो मुझे कोई शो होस्ट करना था इस्लामाबाद में आप मेरा नंबर देना उन्हें मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ हाँ हाँ मेरा नंबर आप दे दिया करें वहाँ पे वो कहते हैं हमें एक ब्यूटीफुल वुमन की जरूरत है क्या करेंगे मर्दों के लिए दुनिया बड़ी मुश्किल है सब कहते हैं यार औरतों के लिए मुश्किल है अल्लाह का शुक्र है फाइनली थोड़ा सा तो ठीक है थैंक यू मैडम थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इनसाइट होपफुली आपने कुछ Yes. आपको मजे की बात नहीं मुझे बड़ी चीज इंटरेस्टिंग लगती है एंड आई ऑलवेज लाइक टू लर्न क्या बंदा कहाँ जा रहा है क्या कर सकता है एंड एडवाइस और गाइडेंस के लिए इट्स अमेजिंग वंडरफुल